आज दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए मुख्यालय का शिलान्यास हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुख्यालय का शिलान्यास किया। सीआरपीएफ का यह नया मुख्यालय साल 2022 तक बनकर तैयार होगा, जिसके लिए 277 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सीआरपीएफ का यह नया मुख्यालय अत्याधुनिक तकनीक से बनाया जाएगा। इस मुख्यालय में ना सिर्फ दफ्तर होगा, बल्कि इस जगह से सीआरपीएफ के ऑपरेशन को कंट्रोल भी किया जाएगा। सीआरपीएफ के नए मुख्यालय का निर्माण सीपीडब्ल्यूडी करेगी। सीआरपीएफ का नया मुख्यालय दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में बनेगा। नया मुख्यालय 2.23 एकड़ में बन रहा है। इस निर्माण में 277 करोड़ लगेंगे और ये 2022 तक बनकर तैयार होगा। नए मुख्यालय में 11 मंजिलें होंगी और 3 बेसमेंट होंगे। इस बेसमेंट में 520 कारें और 15 बस पार्क की जा सकेंगी। इसमें 500 लोगों के बैठने वाला ऑडिटोरियम और एक साथ 200 लोगों की बैठने की व्यवस्था वाला कॉन्फ्रेंस हॉल होगा। इसके अलावा सबॉर्डिनेट स्टाफ के रहने के लिए बैरिक, गेस्ट रूम और कैंटीन की सुविधा भी होगी। सभी ऑपरेशन को हेडक्वार्टर में देखने के लिए ऑपरेशन मॉनिटरिंग रूम भी बनाया जाएगा। फिटनेस के लिए जिम की सुविधा भी होगी। नए मुख्यालय का निर्माण ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी से होगा। इसमें वर्टिकल फॉरेस्ट भी होगा। सीआरपीएफ का नया मुख्यालय ना सिर्फ अत्याधुनिक तकनीक से बनेगा, बल्कि इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं भी होंगी। प्रशासनिक काम के अलावा सुरक्षा की दृष्टि से भी इसमें खास इंतजाम होंगे। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह सिर्फ सीआरपीएफ का मुख्यालय ना बने, बल्कि देश के अभेद सुरक्षा चक्र का मुख्यालय बने। सारी आधुनिक सुविधाओं से इस मुख्यालय को लैस करने का काम किया गया है। सीआरपीएफ के नए मुख्यालय का शिलान्यास करने पहुँचे गृह मंत्री अमित शाह के अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा, केंद्रीय गृह सचिव ए.के. भल्ला और सीआरपीएफ के महानिदेशक राजीव राय भटनागर भी मौजूद थे।